देश के बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच में भीलवाड़ा में प्रशासन अब अलर्ट हो गया है। कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों पर पुलिस और प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई की जा रही है। वहीं पर लगातार पुलिस लोगों से समझाइश भी कर रही है, चालान भी यहां पर काटे जा रहे हैं। इसको लेकर एसडीएम ओम प्रभा कंटेनमेंट जोन का यहां पर निरीक्षण करके लोगों को घरों में रहने की हिदायत दे रही है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते के निर्देश पर शहर के सभी कंटेनमेंट जोन का यहां पर निरीक्षण किया जा रहा है। इसी के साथ ही प्रशासन की ओर से कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ में यहां पर 300 दुकानों को सीज किया गया है। आपको यह भी बता दें कि अब तक यहां पर 35 लाख रुपए से अधिक के चालान काटे जा चुके हैं। ऐसा है कि कलेक्टर साहब के निर्देश पे जो भीलवाड़ा शहर के वो एरियाज जहां कोविड केसेस ज़्यादा है, माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किए गए हैं, वहां जीरो मोबिलिटी रहेगी। बिल्कुल स्टाफ का डिप्लॉयमेंट हो गया है, टीचर स्टाफ है, हमारे पुलिस का जाप्ता है, बैरिकेड से उस एरिया को कवर कर लिया गया है। इनकी जो दैनिक आवश्यकताओं की जो वस्तुएं हैं, जैसे कि दूध, फल, सब्जी, किराना, उसकी आपूर्ति की प्रशासन ने माकूल व्यवस्थाएं की है। इसके अलावा अगर मेडिकल इमरजेंसी किसी की है तो वो व्यक्ति यहां से बाहर अलाउ किया जाएगा, इसके बिना कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा। साथ ही अगर कोई कोविड ड्यूटीज़ में लगे हुए कार्मिक है तो वो अपना जो प्रॉपर आईडी दिखाने पे उनको बाहर अनुमत किया जाएगा इसके बिना, और उनका पूरा लेखा रखा जाएगा कि कौन बाहर जा रहा है, कौन अंदर आ रहा है।